नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज बाय राम लखन यादव में। आज आप इस वीडियो में देखेंगे हेलिकल रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉलम में लगा हुआ है, इसका डाया 1 मीटर का है, उसको हम कैसे साइड पे प्रेसिंग कर रहे हैं ड्राइंग के साथ आप इस वीडियो में सारा डिटेल देखेंगे। दोस्तों ये डायमेंशनल डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 3 इसमें पियर है, इसमें टाई बीम दिया हुआ है जिसका हाइट 1800 बाई 7 मीटर 700 है, और इसमें जो टॉप कॉलम है उसका डाया 1 मीटर का है, इसकी जो इसमें जो पाइलिंग हुआ है कास्ट इन सीतु पाइल उसका डाया 1200 का है। इसका जो हम रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ये है हेलिकल रिंग जो दिया हुआ है ड्राइंग में, रिइंफोर्समेंट शेड्यूल में आप देख सकते हैं कॉलम का ये वर्टिकल है 25 mm का 15 नंबर, उसके बाद से 32 mm का 15 नंबर है, उसके बाद स्पाइरल शेप में है ये हेलिकल रिंग दिया हुआ है कॉलम का, बार मार्क नंबर 2, 2A और 3 ये कॉलम का रिइंफोर्समेंट हो गया। उसके बाद इसमें पाइल दिया हुआ है, पाइल का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है साइड पे, और टाई बीम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉलम का हेलिकल रिइंफोर्समेंट कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं, और इसमें जो ये कॉलम का रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है वर्टिकल उसको साइड पे दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों जो बार मार्क नंबर 1 है 25 का डाया है 15 नंबर, और 1A 25 का डाया है 15 नंबर, जबकि इसका शेप दिया हुआ है ड्राइंग में शो किया हुआ है 1+1A, ये वर्टिकल रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है। 1A टॉप से 2 इंटू H हाइट पर आएगा, एच का जो वैल्यू है P2 के लिए 18 मीटर, P3 के लिए 18 मीटर और P4 के लिए 20 मीटर दिया हुआ है एच का वैल्यू। तो इसमें 0.2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 1A है उसका लेंथ निकल जाएगा टॉप से माइनस करने के बाद। इसको हमने BBS में निकाला हुआ है, देखिए बार मार्क नंबर 1 और 1A, 1 है 18 मीटर 708, 300 का टॉप L है, 1400 का स्लोप है और 150 mm बॉटम L है, और 1A है वर्टिकल एक्स्ट्रा मेन बार जो दिया है 5 मीटर 200 300 का L, 25 mm का है और 15 इंटू 3 क्योंकि 3 नंबर ऑफ कॉलम है इसलिए। इसमें जो दोस्तों 1B दिया हुआ है 32 mm का डाया है 15 नंबर है, जबकि आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट शेड्यूल में ये 1B है, ये टाई बीम के बॉटम से 0.2H हाइट पर है। सेम वही उसी कंडीशन फार्मूला से हम इसको निकाल सकते हैं। 1B मैंने निकाला हुआ है वर्टिकल मेन बार एम्बेडेड इन टाई बीम, ये 4 मीटर 600 1000 mm प्लस L है 150 mm का, 32 mm का डाया है 15 इंटू 3। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बार मार्क नंबर 2, 2A और 3, 16 का 100 mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग, 16 का 200 और 12 का 150 mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग है, ये स्पाइरल शेप में दिया हुआ है हेलिकल रिंग। यहाँ ड्राइंग में दिया हुआ है हेलिकल रिंग बार मार्क नंबर 2, 2A और 3, जो बार मार्क नंबर 2 है टॉप से 1500 तक रहेगा, उसके बाद से जो ये हंच है टॉप हंच के अंदर 450 mm तक जा रहा है ऊपर, यानी कि इसका टोटल हाइट हो जाएगा 1500 प्लस 450 1950 हो जाएगा। उसी हिसाब से इसका हम कैलकुलेशन किए हैं, आपको दिखा रहा हूँ इसका कटिंग लेंथ कैसे निकाला है। हेलिकल रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, उसका जो फार्मूला होता है उस लेंथ का एन अंडर रूट सी के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ स्पायरल या टर्न्स या रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, सी है सर्कमफ्रेंस, पी है पिच या स्पेसिंग, एच हाइट ऑफ कॉलम, जो नंबर इसमें हम निकालेंगे एच अपॉन पी,
तो एच हम अभी हमने ड्राइंग में देखा 1500 प्लस 400 50 और पी है 100 mm। बार मार्क नंबर टू में आप देख सकते हैं पी 100 mm है, पिच या स्पेसिंग एक ही है, 100 mm दिया हुआ है। 2A में 200 mm दिया हुआ है, 3 में 100 mm दिया हुआ है। जब इसका हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5 यानी 20 नंबर, तो n हो जाएगा 20 प्लस 2। 2 क्यों? क्योंकि ये जो टॉप में एक एक्स्ट्रा बार एक्स्ट्रा ये टर्न लेता है और बॉटम में भी एक टर्न लेता है, तो यहाँ पे एक और एक बॉटम का दोनों मिला करके 2 हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लिया हुआ है। आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए। इसका जो सी है, सी का फॉर्मूला होता है 2πr, इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं। पाई 3.14 इसका वैल्यू और डी मतलब डाया, डाया है 884 mm। क्यों लिखा? क्योंकि इसका जो कास्टिंग फेस है 1 मीटर का है, 50 mm 50 mm दोनों साइड से कवर और सेंटर टू सेंटर ऑफ हेलिकल रिंग का ले लिया है 16 mm। तो 100 mm और 16 mm माइनस करने से हमको मिलेगा 884 mm 1 मीटर में से, इसलिए अब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 2.7758 मीटर होगा। पिच का वैल्यू हमको मालूम है 0.1 मीटर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फार्मूला में तो हमारे पास आ जाएगा 2.777 मीटर। जो L आ जाएगा ये है L इज इक्वल टू 2.77 मीटर, वन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन विदाउट लैपिंग, एक नंबर ऑफ जब टर्न लेगा इसमें तो ये आएगा 2.77 मीटर। इसमें लैपिंग ऐड नहीं है, अगर इसमें हम लैपिंग ऐड कर देते हैं 480 mm, क्योंकि 16 mm का डाया है और ये ड्राइंग में दिया हुआ है 30D लैपिंग करना है। जैसा कि देख सकते हैं इस ड्राइंग में जो लैपिंग लैप्स दिया हुआ है 30×D है, तो 16×30 कर देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा 3.257 मीटर विथ लैपिंग के साथ। तो इस हिसाब से आप नेक्स्ट जो स्पेसिंग दिया हुआ है उसका भी निकाल सकते हैं। ये BBS में मैंने ऑलरेडी निकाल करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, स्पायरल रिंग बार का है जिसका लेंथ हो जाएगा 1950, इसका डाया है 884 mm, 16 mm का डाया है, 100 mm स्पेसिंग और ये 22 नंबर आ रहा है, तो हमने 3 कॉलम चूँकि दिया हुआ है इसीलिए 66 नंबर आएगा एक साथ। इसका जो कटिंग लेंथ है 3255.8 मीटर का है, उसी हिसाब से 2A और 3A हमने निकाला है सेम। इसका जो हाइट है 3 मीटर आएगा, इसका हाइट है 10 मीटर 508 आएगा। इस हिसाब से इसका जो नंबर्स निकल जाएगा और कटिंग लेंथ निकल जाएगा, तो ये स्पायरल रिंग का पूरा वेट आ जाएगा 3 नंबर ऑफ कॉलम में कितना आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपको साइड पे दिखा रहा हूँ, ये P2 हो गया पियर, ये P3 है, 3 नंबर ऑफ ग्रुप पाइल दिया हुआ है, इसमें पाइल कंप्लीट हो चुका है, ये टाई बीम है, टाई बीम के ऊपर कॉलम काम चल रहा है, उसका स्पायरल रिंग मैं अभी लेके चल रहा हूँ ऊपर दिखाता हूँ। वर्टिकल 25 mm का डाया दिख रहा है, इसमें हेलिकल रिंग दिया गया है 12 mm का जिसका स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 100 mm का है। जैसा देख सकते हैं वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हेलिकल रिंग का है, इसी हिसाब से पूरे कॉलम का रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग किया गया है। P1 P2 P3 सबका। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।